हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9th January 2021 और छुट्टी का दिन है और मॉर्निंग में हम लेने जा रहे हैं पैट डॉग को। अभी वो हमारा पैट नहीं है, मतलब हम एक पपी को लेने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे घर से थोड़े से पास में, हमारा जो सोसाइटी है इसके थोड़े से दूर पे ही एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हुए थे, तो हम उन बच्चों को करीब पिछले 15-20 दिन से खाना खिला रहे हैं ताकि वो जो बच्चा है, जो पपी हम लाए, वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए। जब वो अपनी मम्मी से बिछड़ के आए तो घबरा ना जाए। तो ये है वो गली सी जहाँ पर उसने बच्चे दिए हुए थे। और वैसे भी आजकल ब्रीडिंग का सीजन है तो आसपास बहुत जगह पपीज हैं, सोसाइटी में भी, बाहर भी। और चूंकि श्रेष्ठ बहुत ज्यादा डॉग्स को पसंद करता है तो वो बहुत सारे डॉग्स को, आसपास के को, दोनों टाइम फीड कराने जाता है अपने पापा के साथ, मतलब हम तीनों ही जाते हैं। तो इस पपी को भी हम पिछले 20 दिन से फीड करा रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे और भी पपीज हैं, बट इस टाइम पर जब हम यहाँ आए हैं, ये बेचारे जो छोटे छोटे पपी है वैसे एक जगह में थे। यहाँ पे इतना सारा कूड़ा पत्थर सब है, तो लोगों ने एक छोटा सा घर ऐसे ईंटों का साइड में बच्चों ने बना दिया है। और ये है बॉक्सर, वो पपी जो हम लेने वाले हैं। और श्रेष्ठ ने आरती इसको उठा लिया है, इतनी गंदगी में रहते हैं, मगर श्रेष्ठ फिर भी डॉग्स को इतना पपीज को प्यार करता है कि ले लेता है। और घर आके इसको हमेशा कपड़े बदलने पड़ते हैं, तो आजकल वो दिन में दो दो तीन तीन ड्रेस धुलने के लिए डालता है क्योंकि दोनों टाइम खाना खिलाने जाता है। और ये देखो उनके साथ के दूसरे पपीज हैं, सब बड़े क्यूट है, पर प्रखर को बॉक्सर पसंद आया था। और ये जो इसका नाम है बॉक्सर, ये वहां पे बच्चों ने ऑलरेडी रख रखा था और आसपास के बच्चे उसको रोटी खिला रहे थे, तो उन्होंने बोला आंटी अभी मत ले जाओ, फिर ये चले जाएगा, हमें आज इसको रोटी खिला लेने दो। तो हम थोड़ी देर वहीं रुके और बॉक्सर रोटी खा रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा है लेकिन वहां और कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो रोटी खा लेते हैं। लेकिन अब जब वो घर पे आ गया है तो उसे दूध, ब्रेड, बिस्किट ऐसी चीजें खाता है, और अगर हम रोटी दें तो भी वो नहीं खाता। तो ये देखिए, श्रेष्ठ ने ले लिया है बॉक्सर को और अब बॉक्सर फाइनली हमारे साथ जा रहा है। बॉक्सर को हमने कार में बिठा लिया है और घर जाने से पहले हम इसको पेट क्लिनिक लेके जाएंगे। देखिए कितना क्यूट है बॉक्सर। बॉक्सर यही नाम रहेगा तुम्हारा? हाँ। नाम तो पहले से ही लेके आए हो। अच्छा, चेंज करना अभी चेंज कर बॉक्सर। हाँ, अभी तो जानता है नाम, मेरे नाम तो उसका वही सही। अच्छा, है अच्छा, तकड़ता बच्चा है, बॉक्सर सही है। बच्चा ने पहले तगड़ा था, बॉक्सर रख दिया उसका नाम। बॉक्सर तुम क्यों जो हमें पहचानता है ये रहा बॉक्सर। बॉक्सर पंजे रख के कितने मजे से तुम एंजॉय कर रहे हो। कुत्ते कार में बहुत एंजॉय करते हैं। कुत्ते में ऐसे बैठ जाएगा कि चढ़ के बैठो पीछे बैठो। कितने भोले चेहरे के हो और कितने गंदे हो रहे हो तुम। बॉक्सर गरम से पहरे हैं। खैर बात तो नहीं हो गया, मानते हैं तुम्हें जानता है इसलिए जैसे नहीं रहा ना। देखिए देखिए कितने एक्टिव है। वेट तो है क्या पिल्ला, बड़ा है ना। एक्टिव भी तो है ना ज्यादा, बने तो है लेकिन एक्टिव तो एक्टिव भी था। उन सब में सबसे ज्यादा अपना एक्टिव यही था। देखिए बाहर तो बॉक्सर बच्चों ने इसका नाम रख रखा था और हमें भी अच्छा लगा, तो हम नाम चेंज नहीं करेंगे इसका। और बॉक्सर देखिए कितना कंफर्टेबल है श्रेष्ठ के साथ, क्योंकि 20 दिन में वो बहुत अच्छे से पहचान गया है। और हम इसको अभी वेट के पास लेकर आ गए हैं और वेट ने इसका चेकअप करके हमें बताया कि ये 2 months का है। तो 2 months में से अगर 20 days तक पैट किसी से रोज मिलेगा, पपी किसी से मिलेगा, मैं पैट ही कह रही हूँ, पैट तो अब बना ही हमारा, तो वो उसको जान जाएगा। इसलिए बिल्कुल जैसे एलिस बहुत सहम गई थी ना, वैसे ये डरा या सहमा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, हैप्पी है, बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। तो वेट के यहाँ थोड़ा सा भीड़ है, अंदर है दूसरे डॉग्स, तो अभी हम बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि कोरोना टाइम है, तो एक ही एक पेशेंट एक बार में क्लिनिक के अंदर जाएगा। तो हम इसका चेकअप करा लेना चाहते हैं कि कहीं इसको फीवर ना हो, ठंड में था ये बाहर, बीमार ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, और हमें थोड़ा सा पता चल जाए इसकी क्या एज है, कब वैक्सीनेशन कराएं। डॉक्टर ने हमें अंदर वीडियो बनाने के लिए मना किया था, तो इसलिए हमने अंदर का वीडियो नहीं ज्यादा कुछ बना पाया है। मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर देखिए और भी डॉग जो है वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने चेक करके हमको बताया कि ये 2 महीने का है और 2-3 दिन बाद इसको हमें वैक्सीन लगवाने आना है। और उन्होंने इसको डीवॉर्मिंग के लिए, इसके पेट में कोई वर्म्स ना हुए, बाहर रहता था, तो इसको दवा दे दी है।
और अभी हम अपने घर जा रहे हैं वापस से। और इसके बाद बॉक्सर को हमने नहलाया धुलाया, उसको ब्लोअर के आगे रखा क्योंकि वो बहुत छोटा था। और क्या क्या हुआ वो आप अगले व्लॉग में देखेंगे, ये टू मच लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इतना ही रख रही हूँ। और जब हम घर आए थे तो घर पे मेरे फादर इन लॉ भी थे, और आपको पता ही है कि हमारी जो हाउस हेल्प है वो पूरे दिन रहती हैं, तो वो भी इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी। और बॉक्सर सच में बहुत ही क्यूट लग रहा है, श्रेष्ठ के कपड़ों के साथ में बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो गया है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये देखिए बॉक्सर ने हमारे घर में एंट्री मार दी है। और श्रेष्ठ ने आते ही सबसे पहले मेड को बोला देखिए आंटी बॉक्सर आ गया, और वो भी बड़ी एक्साइटेड हो गई थी, फटाफट से इसको लेने आ गई। फिर हमने बोला कि एक गंदा है अभी पहले इसको नहा लेने दो। तो दोस्तों ये था बॉक्सर का एक छोटा सा ब्लॉग, कैसे बॉक्सर महाराज का हमारे घर में आगमन हुआ। आप आगे के ब्लॉग्स में जरूर देखिएगा, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी बॉक्सर और हम सबकी तरफ से बाय बाय। Thank you.